बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। राष्ट्रवादी पार्टी के नेता आजम खान का बड़ा बयान। आजम खान ने साधा आरएसएस पर सीधा हमला। मदरसों को लेकर मोदी सरकार की नई नीति पर उठाए सवाल। आजम खान बोले, मदरसों में नाथुराम गोडसे और प्रज्ञा ठाकुर जैसे स्वभाव के लोग पैदा नहीं होते। मुख्तार अब्बास नकवी के एक बयान पर पलटवार करते हुए कही ये बात। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर से सांसद मोहम्मद आजम खान ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा मदरसों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने वाले सवालों पर मोहम्मद आजम खान ने सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि इसी मंगलवार को केंद्र की मोदी सरकार के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यह बयान दिया था कि मदरसों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ा जाएगा। इसी बात को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान भड़क गए। उन्होंने कहा कि मदरसों के अंदर साध्वी प्रज्ञा और नाथुराम गोडसे जैसे स्वभाव के लोग पैदा नहीं होते। अगर मदरसों में बढ़ाना है तो फर्नीचर जैसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो उनमें बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मदरसों में भी मिड डे मील जैसी योजना शुरू होना चाहिए। मोदी सरकार बदलाव ना करे।